प्लीज लोकेशन बदल दो। ठीक है, अब तुम्हें कहाँ जाना है? जगह कोई भी हो, लेकिन मैं कोई और नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो तो भी ठीक है। देखो नोबिता, मैं ये कह रहा था कि वो तेंदुआ तेंदुआ मुझे बता ये सब क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बताइए ना, आप आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं? देखो मेरी बात तो सुनो, नोबिता के कमरे में तेंदुआ है। तेंदुआ? अरे क्या हुआ डैड? देखा आपने, वो आपका वहम था। अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मुझे पता है तुम इस बार छुट्टियों में हॉट स्प्रिंग जाना चाहती हो, इसी बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चलो देखो, जहाँ पर तुम जाना चाहती हो मैंने पता कर लिया है कि वहाँ पर सारे होटल्स पहले ही बुक हो चुके हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं? हमको वहाँ रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, वैसे भी हम वहाँ बहुत थक जाएंगे। क्यों? देखिए कभी कभी थकना अच्छा होता है, आप समझ रहे हैं ना? डैड लगता है मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इधर आओ मेरे साथ, इसमें हॉट स्प्रिंग का ऑप्शन भी है। इसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। पर ये तो 3D इमेज है ना, वो हॉट स्प्रिंग का मजा कैसे लेंगे? क्या हुआ? एक आइडिया, इसे बाथरूम में ले जाते हैं और हम पूरे घर को होटल बना सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत कमाल का है, चलो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। ये लो, ऐसा करते हैं इन्हें पूरे घर में रख देते हैं। अब देखना हमारा घर होटल बन जाएगा। देखो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो क्या है कि वहाँ पर सारे होटल्स बुक हो चुके हैं। अगले साल मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। अरे रुको जरा, मैं तुम्हारी मॉम से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। अगर तुम रिलैक्स होना चाहती हो तो हमारा घर सबसे अच्छी जगह है, हमारा प्यारा घर। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? अब तो तुम मुझसे रुक जाओ ना, मैंने कहा ना कि मैं बात कर रहा हूँ। आँखें तो खोली डैड। अरे वाह, मेरे गैजेट का कमाल है। ये है ना एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल। ये तो वाकई कमाल का लग रहा है। ये तो बहुत शानदार है। हाँ वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरे ये कैसी दीवार थी, पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दी मुझे ये। ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये हमारा वही छोटा सा घर है। कुछ भी है लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक शानदार होटल में ठहरी हुई हूँ। सब लोग जरा संभल कर चलिएगा, धीरे धीरे। वैसे एक बड़े कमरे जैसा है ना। यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है, मैं खोलता हूँ। ये कमरा तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा कमरा, ये सब बहुत सुंदर है ना, आपको पसंद आया? ये मेरे पैर से क्या टकरा गया? मैं टेबल हटाना भूल गया था, माफ कीजिएगा। देखिए ये कमरा बहुत छोटा है, इसलिए जरा संभल कर चलिए। ठीक है। ये कैसी परेशानी वाली बात हो गई। अरे ये क्या नजारा मेरे सामने है। चिंता मत कीजिए, एक अच्छा नजारा भी है डैड। वो क्या भला?
एक हॉट स्प्रिंग में सबसे बढ़िया क्या होता है? क्या होता है? वहाँ एक बाथटब होता है। तो फिर आइए हमारे साथ। संभल कर चलिए, मेरे पीछे पीछे आइएगा। ध्यान से। ओह, लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊँ। अरे चिंता मत कीजिए, ये तो बस एक डिस्प्ले है, आप गिरेंगे नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे फिर से चोट लग गई। आप देख कर चलेंगे तो चोट नहीं लगेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाना है? डैडा मेरा हाथ पकड़े रहिए, फिर आपको चोट नहीं लगेगी। हमारा घर काफी बड़ा हो गया ना। यहाँ देखिए। अरे नहीं, ये नहीं है। खुल जा सिम सिम। ये बहुत मजा आएगा। क्या नजारा है। बहुत मजा आ रहा है। लग रहा है जैसे मैं किसी एक बाथटब में हूँ। आप सही कह रहे हैं, मुझे भी। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये असली होटल नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मुझे किसी ने खाना बनाने के लिए कहा तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। खाने का क्या हुआ? हमें बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए। क्यों? सही कहा। फिर तो हम बहुत सारा खाना ऑर्डर करेंगे। घर में कोई है? अरे ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ खाना आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन खुश हो गया भाई, बहुत बढ़िया। खाना शुरू करते हैं। मॉम डैड, आप लोगों को यहाँ पर मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है। कुछ कम है क्या? थोड़ी लोगों की चहल पहल ऐसी जगह में होनी ही चाहिए। आपने सही कहा, ऐसी बड़ी जगहों पर आमतौर पर लोगों की हलचल होती ही है। ठीक है। अरे वाह, माफ कीजिएगा, हम गलत कमरे में आ गए। हमारा कमरा उधर है, चलो उधर चलते हैं। चलो, वैसे ये जगह है बहुत शान। मैंने इसके साथ ग्रुप गेस्ट प्रोग्राम भी जोड़ दिया। अच्छे होटल में ऐसा ही माहौल होता है। बिल्कुल डैड। ये एकदम सही माहौल है। घर में कितने सारे लोग आ गए। अरे चलो गाना गाते हैं। वाह, हॉट स्प्रिंग ट्रिप का पूरा मजा आ रहा है। हम सब कुछ और अच्छा कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पर इस होटल की मालकिन आ जाए तो कैसा रहेगा, बोलो। मैंने अक्सर उसे टीवी पर देखा है, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। उम्मीद है आप सबको मेरे होटल में बहुत अच्छा लगा होगा। वाह, इसने तो और भी अच्छा माहौल बना दिया, क्या बात है। जरा सुनिए, ये लीजिए, ये है आपका पूरा बिल, वो भी टैक्सेस के साथ। क्या हमें सच में बिल देना पड़ेगा? क्या बात है, क्या ये सचमुच का होटल है? डैड, आपको पैसे दे देने चाहिए क्योंकि हम सबने यहाँ रहकर मजे भी तो किए हैं ना। हाँ ये तो सही बात है, पर ये कुछ ज्यादा ही है ना। तो ये लीजिए आपके पूरे बिल के पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर मिलेंगे। ओहो, आने के लिए शुक्रिया। मजा आ गया। अरे वाह, मैं इसे 10 डोरा केक्स खरीदूंगा, हम मिलकर खाएंगे। डोरेमोन, नोबिता, या वो ज्यादा सही, मैंने तो